सब बाद में, पहले ये बताओ कविता क्या होती है? इस बात को मैं कैसे बताऊं? मुझे तो बस सिलाई क्या होती है यही पता है। पापा, पापा से जाके पूछो। पापा, मुझे स्कूल के कंपटीशन में कविता लिखनी है, आप बताओ कविता कैसे लिखूं? बेटा, कविता तो चारों तरफ बिखरी हुई है, हर चीज में कविता छुपी है, बस उसे महसूस करके लिख दो, वही कविता है। पापा, ये थोड़ी ना जवाब हुआ, मैं कितना कुछ महसूस करती हूँ, कितना कुछ बिखरा हुआ है आसपास, अब कविता कहाँ छिपी है? बेटा, पहले दिन तो सही। चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों का पहरा क्यों चेहरा सा लगता है, क्यों ये गलत ख्वाहिशें हैं, हर मोड़ पर फिर से मुड़ जाती है, खिलते हुए शर्माती है ख्वाहिश। सब बच्चों के मम्मी पापा उनकी हेल्प कर रहे हैं, बस आप लोग हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ना आप होमवर्क करा पाते हो, ना आप एग्जाम की तैयारी। अरे, आप लिखवाओ ना कविता। अगर बोल सकता तो बोल के बता देता। मेरी कविता तो तू ही है, तुझसे जुड़ी हर बात कविता है, तू मुस्कुराती है वो कविता है, तू रूठ कर एक कोने में बैठ जाए वो कविता है, तेरा जिद करना, उछलना, कूदना सब कविता ही तो है। ये दिल की धड़कन मैं सुन नहीं सकती, पर महसूस कर सकती हूँ। तुझे भी अपने दिल की धड़कन को महसूस करना होगा, और जो महसूस करो उसे बस शब्दों में पिरो दो। परियों के भी लोक से सुंदर छोटा सा प्यारा मेरा घर, परियों के भी लोक से सुंदर छोटा सा प्यारा मेरा घर, सपने जो भी रहते मेरे कुछ
बहुत सीधे, कुछ टेढ़े मेरे। बाबा मेरे है जादूगर, रात में सारे सपने लेकर अपनी आंखों में रख लेते। रोज सवेरे मुट्ठी में मेरे सोने सा चमका वापस कर देते। माँ मेरी थाली में हर दे मेरी खुशियाँ लाती है। जितने भी निवाले खा लूं, लेकिन भूख बढ़ती ही जाती है। ना आवाजों का मकर जाल है, ना शब्दों की चीख पुकार। जिस कविता को ढूंढ रही थी वो तो है मेरा परिवार। माँ माँ मेरी कविता खत्म। और इस कविता प्रतियोगिता की विजेता है ट्विंकल शर्मा। वेल डन बेटा, वेल डन। तीनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां, और मेंटर्स के लिए जो एक्ट बनाया उनके लिए जोरदार तालियां। You will be speechless, okay? Fantastic.